Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. कि एलजी की वकील और स्वास्थ्य सचिव अपने ही विभाग के मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे एफिडेविट के अंदर मुझे लगता है कि करीब करीब 2500 पेज का एफिडेविट होगा। इसके अंदर किसी भी फैसले पर कहीं पर यह नहीं लिखा कि यह फैसला यहां लंबित है, यह फैसला यहां लंबित है। दो जगहों पे दो फैसले लिखे हुए कि ये दोनों फैसलों के लिए फाइल जो है मंत्री के पास लंबित है, ये लिख के इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर दिया है। और दोनों ही मामलों के अंदर कोई फाइल मिनिस्टर के पास लंबित नहीं है, सरासर झूठ इस मामले के अंदर हाईकोर्ट के अंदर भेजा गया। क्यों भेजा गया? एक षड्यंत्र किया जा रहा है एलजी साहब द्वारा लगाए वकील और एलजी साहब द्वारा लगाए स्वास्थ्य सचिव का कि झूठ हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट के माध्यम से दे दो। कोर्ट जब पढ़ेगा तो कोर्ट कहेगा अच्छा मिनिस्टर ने ये सब रोक के बैठे हुए हैं, अच्छा अच्छा, और कोर्ट अपनी तरफ से टिप्पणी करेगा। हम तो वहां होंगे नहीं, और कोर्ट की टिप्पणी अगले दिन अखबार के अंदर छापी जाए, इस उद्देश्य से किया जा रहा है। दो मामले हैं, एक जनऔषधि का मामला है, जनऔषधि केंद्र का मामला है, जिसमें कहा गया कि फाइल जो है मंत्री के पास लंबित है और वो फाइल मेरे पास आज तक आई ही नहीं है। ये फाइल नोटिंग, ये जो फाइल मूवमेंट है, ये फाइल मूवमेंट है उस फाइल की, जिस फाइल के विषय में कहा गया है कि इस फाइल का डिसीजन मंत्री के पास लंबित है, वो फाइल आज तक मेरे पास नहीं भेजी गई है। दूसरी फाइल एनआईसी के ई ऑफिस के संबंधित है कि एनआईसी का एक एचएमआईएस सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लेने की बात चल रही है, जिसमें मेरी तरफ से कहा गया है कि ये मॉड्यूल जो है वो दिल्ली सरकार को उसकी ज़रूरत है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स का मॉड्यूल, हमारी डाक की सर्विसेज का मॉड्यूल, हमारी फरिश्ते स्कीम का मॉड्यूल, और हमने एनआईसी को लिखा है कि ये मॉड्यूल्स आप हमारे लिए डेवलप कर दें। हमारे पास कोई फाइल लंबित नहीं है, मगर फिर भी इसके अंदर कहा गया है। तो मैं आप साथियों को ये दरख्वास्त करूँगा कि आप ये बात छापिए कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों को उनकी स्वास्थ्य सेवाएँ ठप की जाए और उन ठप सेवाओं के बारे में हाईकोर्ट को भी ना बताया जाए, वरना हाईकोर्ट कहेगा भाई आप दवाई क्यों नहीं ले रहे। जब कमेटी का रिकमेंडेशन है, हाईकोर्ट का आदेश है, मंत्री का आदेश है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयां कम कर रखी हैं, तो वो बात ना खुल सके और लोग परेशान हो सके, बिना दवा के लोग मर जाए, इसलिए ये षड्यंत्र जो है दिल्ली के अंदर किया जा रहा है और खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। और एलजी साहब के विभाग की वकील जो है इसके षड्यंत्र के अंदर शामिल है। कई जगह पे इसके अंदर झूठ बोला गया। तो मैंने ये पत्र जो है, ये फाइल जो है, मैं अब लॉ डिपार्टमेंट को भेज रहा हूँ, ये नोटिंग है, और मैं लॉ डिपार्टमेंट को ये कह रहा हूँ कि एक तो झूठा एफिडेविट कोर्ट में दिया गया, जो कि अपने आप में परजरी है। इस एफिडेविट के अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हैं, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है, जानबूझ के एफिडेविट को मंत्री से अप्रूव नहीं कराया गया है, चोरी छिपे हेल्थ सेक्रेटरी ने इसको अप्रूव करके दिल्ली सरकार के वकील के थ्रू ना होके एलजी साहब के अधीन जो वकील आती है उनके थ्रू इस एफिडेविट को कोर्ट में दायर किया गया है। लिहाजा स्वास्थ्य सचिव पे और ये जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग काउंसिल हैं उनके ऊपर, दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इसलिए मैं ये लॉ डिपार्टमेंट को लिख रहा हूँ।